आजमगढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री एके शर्मा ने किया दौरा। आजमगढ़ के देवारा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सगड़ी के देवरांचल में बाढ़ का कहर तबाही मचाई हुई है, जिसके चलते महुला गढ़वाल बांध सहित कई रिंग बांध कट गए हैं, जिससे लोगों के मकान गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को देखते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद करे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए, वहां के जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने के लिए और प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए मैं आज सुबह लखनऊ से चल करके यहां आजमगढ़ के दाम महुला गांव में आया हुआ हूं और इस क्षेत्र से मैं थोड़ा पूर्व परिचित भी रहा हूं। हर साल 19-20 यहां समस्याएं पानी से होती हैं। इस साल ऐसा देखने को लग रहा है कि थोड़ी विशेष समस्या हुई है, क्योंकि बांध जो बीच में एक छोटा सा मिट्टी का था वो टूट गया। परसों का मैंने समाचार लिया, वीडियो भी देखा था, उसमें काफ़ी तेज प्रवाह था। आज संयोग से थोड़ा पानी उतरा है और मैं जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उन लोगों से भी मैं आज मिला। यहाँ प्रशासन बहुत ही सतर्क है, मैं देख रहा हूँ हमारे एक तरफ हमारे ADM खड़े हैं, दूसरी तरफ SDM भी है और इन लोगों ने मिलकर के पूरी टीम ने जन सहयोग से, जनता ने भी, विधायक भी मिले थे, इन सब ने मिलकर के बहुत मेहनत किया है, लोगों की बड़ी सेवा किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ परिस्थिति सामान्य हो जाएगी और लोगों को जो तकलीफ पड़ी है उसमें से मुक्ति मिलेगी। जो मकान गिर गए हैं उनके लिए विशेष रूप से चिंता करके और कहाँ से कैसे उनकी सहायता किया जाए, जो बाढ़ सहायता का जो फंड होता है उसमें से भी सहायता होगी। आज राशन का भी वितरण हुआ है, सरकार की तरफ से करवाया गया है। तो इस प्रकार प्रशासन से जितना हो सकता है इस प्राकृतिक आपदा में उतना प्रयास हो रहा है। मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक इस बाढ़ से परमानेंट कायमी मुक्ति का सवाल है, उसकी भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 200 साल से मैं इस क्षेत्र से परिचित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर साल कम बेस समस्या खड़ी होती है, तो उसमें से कैसे निजात मिले, कैसे उसमें से मुक्ति मिले, इसकी भी व्यवस्थाएँ करनी होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि प्रभावित लोगों की जितनी भी सेवा, जितनी भी संभाल, जितनी भी चिंता की जा सके, पूरा समाज मिलकर के, अपनी सरकार मिलकर के। धन्यवाद।